सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, क्या हालचाल, क्या बोलती पब्लिक, चुल मचा दे। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग, आपका स्वागत है एक और बार नए व्लॉग में। जो भी चैनल पे नया है प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मैं आपके लिए हर रोज व्लॉग डालने की कोशिश करूंगा, बाकी काम कुछ ऐसा आ जाता है कि जिसकी वजह से मैं डेली व्लॉग नहीं बना पाता हूं, क्योंकि थोड़ा सा मुझे मेरे एक दूसरे चैनल पे भी वर्क करना पड़ता है। तो होता यह है कि व्लॉग डेली डालना पॉसिबल नहीं हो पाता है, बाकी मैं कोशिश करूंगा कि डेली व्लॉग डालूं। और आप अपना ऐसा प्यार दिखाते रहिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक कीजिए और चैनल को बिल्कुल रॉकेट की तरह ग्रो करवा दीजिए मेरा। दोस्तों मेरे कंप्यूटर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने सोचा कि उसके ड्राइवर की सीडी मुझसे घूम गई थी। तो मेरा एक फ्रेंड है जो कंप्यूटर रिपेयरिंग करता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सारी चीज़ें करता है, तो मैं उसके पास जा रहा हूँ और एक मदरबोर्ड की सीडी जो घूम चुकी थी मेरे पास वो लेके आता हूँ। दोस्तों हमारी सीडी आ चुकी है और घर आ गए हम, इसे लगाएंगे। ये मदरबोर्ड की सीडी है, मेरी मदरबोर्ड की सीडी पता नहीं कहाँ चले गई है, तो मैं अपने दोस्त के यहाँ से ले आया हूँ। इसे रिपेयर करते हैं सॉफ्टवेयर को। और भूख लग रही है, बहुत तेज़ भूख लग रही है, गर्मी कितनी है, ये बारिश के मौसम में इतनी गर्मी बर्दाश्त के पार है भाई, पता नहीं कब पानी आएगा। कहीं सैलाब आ रहा है तो कहीं पानी नहीं है, पता नहीं अल्लाह क्या चाहता आएगा। दोस्तों आज हम जा रहे हैं मांडो। मांडो में क्या है कि आज बीवी की जो मुमानी है वो उम्रे पे जा रही है, तो मुलाकात करने जाना है। 5 बजे वो निकल जाएंगी। और बहुत आज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है क्योंकि गाड़ी का बंदोबस्त हो नहीं पाया था और जुम्मा भी था और 2:30 बज रहे, काफ़ी लेट हो चुके हैं हम। गाड़ी मैंने इंतज़ाम कर ली है, रेंट पे ले ली है गाड़ी कार, और अब हम निकल रहे हैं। 2:30 बज रहे हैं अभी, और चलते हैं जल्दी से, फटाफट वहाँ चलते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। और दावत भी है तो दावत के भी मज़े लेंगे। तो चलो चलते हैं, सब तैयार हो चुके हैं, लॉक कर दूँ मैं, एक मिनट। तो दोस्तों चलते हैं, टाइम हो चुका है, निकलते हैं फटाफट क्योंकि वहाँ पहुँचना भी है और तकरीबन मेरे ख्याल से एक घंटा तो लगेगा पहुँचने में। और दानियल भी तैयार हो गई है बिल्कुल। दानियल आप कहाँ जा रही हो? बिल्कुल तैयार हो गई, चश्मा भी लगा लिया, केप भी लगा लिया, नई ड्रेस, शूज। हाँ हाँ, पेपा पप्पी के पास जाओगी आप? चलो फिर, चलो चलो बैठो कार में, चलो दोस्तों चलते हैं। सब लोग आ गए हैं, अब निकलते हैं, और गर्मी तो बहुत खतरनाक हो रही है। दानियल कहाँ जा रहे हैं अपन? मांडो पहुंच चुके हैं हम, अब मिलते हैं, हार फुल कर देते हैं, नुमानी से मिल लेते हैं क्योंकि वो निकलने वाली होंगी। तो चलो मिलते हैं और खाना वाना खाएंगे, भूख लग रही है बहुत भीषण। दोस्तों अपना फोन आ चुका है और ये बटर चिकन है, ये नुक्ती है और मांडे है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, बहुत भूख लग रही है और घर से निकले थे तो कुछ खाया नहीं था, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। दोस्तों ये मांडो की शाही जामा मस्जिद है,
किसी दिन आएंगे, मांडू पूरा घूमेंगे और आपको दिखाएंगे मांडू की हर एक इमारत और हर एक महल, सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। दोस्तों हम आए हैं डाइनो एडवेंचर पे, बच्चों को लेके आए हैं और आपको दिखाते हैं आगे चलते हैं। यहाँ से टिकट ले लेते हैं पहले। टिकट हाँ, और दो छोटे हैं, दो छोटे हाँ, मतलब वो एडल्ट नहीं है। कितने साल? ये है सात सात साल, सात 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 सात। दोस्तों 220 रुपए का टिकट हुआ है और चलते हैं अंदर। ये मिक्की माउस है और यहाँ बुल राइडिंग है, उधर डायनासोर के अंडे हैं। बच्चे चले गए वहाँ अंडे देखने। चलो दिखाते हैं आपको। अरे वाह यार दानू, अंडे में से आ गई आप बाहर। चलो उधर मिक्की माउस में चलेंगे, डैनियल मिक्की माउस में, डैनियल आराम से गिरना मत। मजे आ गए बच्चों को दोस्तों, यही तो होता है फन टाइम। चलो जाओ दानियल। दोस्तों दानियल डर रही है, बस दूर से ही देख रही थी और गई नहीं वो मिक्की माउस में, तो इसे इधर ले चलते हैं। ये बुल राइडिंग क्या कर पाएगी यार। नहीं अंदर मत जाओ, बोले ना सींग मार देगा, बहुत गुस्से में है ये। चलो दोस्तों आपको डायनासोर के पास ले चलता हूँ। वो रहा डायनासोर, दानियल को कब से डायनासोर देखना था तो उसे दिखाते हैं। बहुत बड़ा झूला है ये, चलो डायनासोर के पास चलते हैं। दोस्तों ये बहुत गंदा तालाब है, इसमें स्विमिंग नहीं हो सकती। डायनासोर को करते हैं यहाँ पे अलविदा और आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। ये है स्विमिंग पूल, एक डायनासोर वहाँ पर है, इसे भी देख लेते हैं यार। भाई वो झूला बहुत शानदार है यार, वहाँ पे भी चलेंगे। काफ़ी बड़ा यार डायनासोर है ये। ये डायनो पूल है, चलो उधर झूले की तरफ चलते हैं। बहुत बड़ा झूला दिख रहा है यार वो तो। दोस्तों इस अंडे के अंदर चल के देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं, पहले मैं आपको यहाँ पे जो पिक लगे हूँ वो सब दिखा देता हूँ, जो डायनासोर के बारे में ही बता रहे हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जो पहले हुआ करती थी। यहाँ पर क्या, ये आदि मानव के पत्थर हैं पुराने जमाने के। यहाँ पर भी कुछ गोल पत्थर हैं, पता नहीं कितने साल पुराने हैं, क्या है इनका तो आइडिया नहीं है हमें, बाकी तो देखते हैं। ये क्या चीज़ है? अच्छा ये तो शार्क के दांत हैंगे। ये भी कुछ पुराने जीवाश्म हैं। ये पत्थर कुछ ज़्यादा गोल नहीं दिख रहा है, ऐसा लग रहा है तोप का गोला हो। इधर क्या है? इधर भी पत्थर ही है। अंदर देखते हैं अंदर क्या है। ओहो ये डायनासोर अंडे में से निकल रहे हैं, कितने शानदार बनाए हैं। ये भी डायनासोर का अंडा है और पत्थर हैंगे, पत्थर है क्या अंडे पता नहीं है।
इन पत्थरों पे पता नहीं एरो के निशान क्यों बने हुए हैं, पता नहीं कुछ होगा, हमें तो पता नहीं हैगा। ये भी पत्थर, इधर भी पत्थर और इधर भी पत्थर, ये क्या चीज़ है? ये कुछ अंडे जैसी दिख रही है। ये भी गोल पत्थर है, कहीं डायनासोर के अंडे ना हो। यहाँ कुछ चीज मिली है इन्हें, डायनासोर के अंडे वगैरह मिले हैं। दोस्तों यहाँ पुराने जमाने के जीवाश्म रखे हुए हैं। ये एक म्यूजियम टाइप का छोटा सा है और इसका शेप जो है वो बिल्कुल अंडे की तरह है, ऐसा लगता है कि डायनासोर का अंडा है। गर्मी तो बहुत हो रही है, चलते हैं बाहर, बाहर देखते हैं कि बाहर क्या है। तो बाहर चलते हैं, ओह बाहर निकल के थोड़ा सा सुकून मिला है। ये वो दो म्यूजियम है जो अंडे के शेप में है, आपको अंदर दिखाया था मैंने, वो ये वो जगह है। उधर खाई है, बहुत अच्छा व्यू है, वहाँ देखते हैं कि वहाँ है क्या। नज़ारा तो बहुत शानदार है, यहाँ से दिखाते हैं आपको आगे। ओ हो हो, बहुत शानदार जगह है। यहीं पे मैं बंजी जंपिंग करूँगा, अभी नहीं, नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा तो अपना पैराशूट लेके भी आऊँगा। यहाँ से पैरा ग्लाइडिंग करेंगे और बंजी जंपिंग करेंगे मस्त। ये देखो झरना बह रहा है वहाँ से। दोस्तों आप देख रहे होंगे मेरे पीछे कितनी लंबी और कितनी बड़ी खाई है। ये देखो ये पूरी पहाड़ी है यहाँ पर और पूरी खाई है। ये झूला बहुत बड़ा है यार, कितना ऊंचा है। ये जब आगे जाएगा तो बिल्कुल खाई में जाएगा, सीधा रॉकेट बन जाएंगे इसमें। तो देखते हैं आगे, देखते हैं क्या है आगे भी। वहाँ मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी जगह दिख रही है, वहाँ चलते हैं, वहाँ देखते हैं आगे क्या है। ये मशरूम का शेप भी बहुत अच्छा बनाया है उन्होंने। दोस्तों ये भी एक म्यूजियम है, यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ क्या क्या चीजें हैं। ये हमारी अर्थ का पिक है, इसमें बताया गया है कि अर्थ पहले कैसी थी और अब कैसी है। चलो आगे देखते हैं ये क्या चीजें हैं। ये भी पुरानी चीज़ें हैं कुछ, ये भी पुराने टाइप के पत्थर वगैरह। अंदर चल के देखते हैं अंदर क्या है। अंदर तो काफ़ी शानदार बनाया है यार, अच्छी जगह है। ये वो पुराने जमाने आदिमानवों के वेपन्स हैं जिनसे वो शिकार करते थे, और ये हमारे आदिवासी समाज के भाई लोग जो यूज़ करते हैं, ये तीर और फालिया है। और ये कुछ ज्वेलरी वगैरह रखी हुई हैं, ये भी ज्वेलरी है। यहाँ बनाया बहुत शानदार है, ये ऐसा लग रहा है कि हम वापस से पास्ट में पहुंच गए हैं। इतनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर देखने लायक। ये भी कुछ चीज़ें रखी हुई हैं यहाँ पर, देखते हैं क्या क्या है। ₹30 में और क्या लोगे यार, एक बंदे का चार्ज लगता है यहाँ ₹30, और ₹30 में आप इतनी सारी चीज़ें देख सकते हो। शार्क हैं ये। दोस्तों आप देख सकते हो गर्मी बहुत है, अब बाहर चलते हैं, गर्मी बहुत लग रही है, बहुत भीषण। आगे चल के देखते हैं दोस्तों क्या है यहाँ पर। यहाँ पे कुछ लोग हैं, फोटो वगैरह चल रहे हैं उनके। जगह तो अच्छी दिख रही है। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर यह मिरर है नीचे, और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, दिख रहा है सब कुछ। दो कर लेना। लो यार।
यहाँ से भी व्यू बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत लंबी खाई है, मैं आपको दिखाता हूँ। क्या गया? आपको पहले आ गए अब और खींच दानियल आपको दिख रहा है क्या है नीचे? दानियल दानियल क्या है? जंपिंग लाइन गुफा क्या हुआ? डर लग रहा है आपको? इधर आओ मेरे पास आओ। दानियल डर रही है, आ जाओ दानियल इधर आओ मेरे पास आओ। इधर आओ, इधर तो आओ। अरे सुनो तो सही बात दानियल, अरे गिर जाओगी, रुको रुको रुको, नीचे देखो तो। अब दानियल का डर खत्म हो गया होगा। नीचे देखो तो दानियल। दोस्तों एक जगह और जाना है हमें और टाइम बहुत हो गया है, तो चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं, 6:30 बज गई है, अंधेरा बस होने ही वाला है। दानियल अपनी नानी के साथ एंजॉय कर रही है। दानियल को बिठाओ ऊपर। दोस्तों बचपन की याद आ गई, बचपन में ऐसे लालबाग में हम झूला करते थे और वहां पर जाते थे और खूब एंजॉय करते थे, आज वही दिन याद आ गया मुझे तो। अरे मुझे आप वजन देख दानियल को देखो कितना मजा आ रहा है। पकड़ के बैठते दोस्तों, डायनासोर पे बैठेंगे, कहीं ये पिचक ना जाए डायनासोर। दानियल टिक 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 टिक, बहुत मजा आ रहा है दोस्तों। दानियल दानियल आ जाओ, चल मेरे घोड़े इधर सामने से, हो सकता है घोड़ा बन के दौड़ने लग जाए। खड़ी हो जा, खड़ी हो जा, जेजू। अरे अब्बा जी वहाँ झूला तो देखो, वो सामने देखो वो लकड़ी का खटिया पे बंधा हुआ है वो सामने। मैं वापिस पास्ट में चले गया और आज बच्चे जैसी हरकतें कर रहा हूँ मैं। चलो उतरते हैं, कहीं टूट ना जाए। चलो चलो दोस्तों अब चलते हैं, काफी टाइम हो गया है। दानियल को आ गया मजा, देखो अब दानियल कितना दानियल गिर जाएगी। दानियल उड़ा जल्दी से, कपड़े लाई है? हाँ लाई। अरे ये भैया तुम्हारी खड़ी हो जाए, ईजान गुलाटी खा रिया आएगा। दानियल इधर देखना, ईजान आज तो हड्डे टूटाएंगे तुम्हारे। दोस्तों हम आ गए हैं नालछा दरगाह पे, बाबा को हाजिरी देते हैं। यहाँ ये एक मस्जिद है, अगर कोई भी यहाँ नमाज पढ़ना चाहे तो यहाँ नमाज पढ़ सकता है, और एक छोटा कब्रिस्तान है ये। कुछ नहीं हूँ।
सरकार में हमारी हाजिरी हो चुकी है। अब चलते हैं घर और आज के व्लॉग को हम यहीं करते हैं एंड मिलते हैं एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। शब्बा खैर।